सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को चटाई धूल, 3-0 से किया क्लीन स्वीप। जी हां, जो कि भारतीय टीम ने रांची टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को एक बार फिर से एक पारी और 202 रन से हरा दिया है। जी हां, जो कि भारतीय टीम ने रांची टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को एक पारी और 202 रन से हरा कर रच दिया है इतिहास। इसी के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की यह सीरीज 3-0 से जीतकर मेहमान दक्षिण अफ्रीका को सुपड़ा साफ कर दिया है। टीम इंडिया ने पहली बार साउथ अफ्रीका की टीम को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। रांची टेस्ट मैच के चौथे दिन सिर्फ 12 गेंद का खेल हुआ, जिसमें दूसरा ओवर कराने आए डेब्यूटेंट खिलाड़ी शहबाज नदीम ने ओवर की आखिरी 2 गेंद में 2 विकेट झटके और मैच भारत की झोली में डाल दिया। शहबाज नदीम की काबिले तारीफ थी, अपना पहला मैच खेल रहे काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया है। तो वहीं साउथ अफ्रीका को नवा झटका त्योनिस डे ब्राउन के रूप में लगा, जो 30 रन बनाकर आउट हुए। वहीं आखिरी विकेट लुंगी निगिडी के रूप में लगा, जो बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार हुए। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। इसके बाद सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दोहरा शतक जड़ा, उप कप्तान जिंक रहाणे ने शतक जड़ा, जबकि रविंद्र जडेजा ने अर्धशतक और उमेश यादव ने 31 रनों की तूफानी पारी खेलकर 497 रन 9 विकेट के नुकसान पर पारी की घोषणा कर दी। इसके बाद अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई। पहली पारी में 335 रनों से पिछड़ने के कारण साउथ अफ्रीका की टीम को फॉलो ऑन खेलना पड़ा। फॉलो ऑन खेलते हुए भी साउथ अफ्रीका की टीम की हालत खराब रहा। शुरुआत से ही भारतीय तेज गेंदबाज ने मेहमान टीम पर अपना दबदबा बनाए रखा। यही कारण रहा कि 3 दिन का खेल समाप्त होने के बाद भारतीय टीम ने जीत के काफी करीब पहुंच गई थी। अपनी दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट खोकर 132 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम कुछ खास नहीं कर पाई, क्योंकि सिर्फ 2 ही विकेट शेष रह गए थे और दोनों ही विकेट शहबाज नदीम के खाते में गए। इसी के साथ भारतीय टीम को एक बड़ी जीत मिली है, जो कि तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को एक इनिंग और 202 रनों से जीत हासिल हुई है। इसी के साथ भारतीय टीम ने इन 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का सुपड़ा साफ कर दिया है, 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को। और फिलहाल टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गई है, टॉप पर है और काफी मजबूत स्थिति में है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में। दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे टेस्ट मैच के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, जिन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी करी है, जो कि 2 रन तक जड़ा है इस मैच में, जो कि रोहित शर्मा ने 212 रनों की शानदार पारी खेली है 255 गेंदों का सामना करके, जिसमें 6 छक्के और 28 चौके लगाए थे। इसी के साथ प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं रोहित शर्मा, यानी कि मैन ऑफ द मैच बने हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी कि मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है इस सीरीज में, तो गाइस आपको बता दूं कि भारतीय टीम की तरफ से इस सीरीज में कुल 3 दोहरा शतक लगे हैं। एक डबल सेंचुरी लगाई थी पहले ही टेस्ट मैच में मयंक अग्रवाल ने, तो वहीं दूसरी डबल सेंचुरी लगाई थी दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली ने, जबकि तीसरा डबल सेंचुरी लगा है तीसरे टेस्ट मैच में, जो कि रोहित शर्मा ने लगाया है। लेकिन आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में शतक जड़ा था, जिसके चलते रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया है, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं रोहित शर्मा अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर। तो वहीं आपको बता दें कि बल्लेबाजों के अलावा भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है। खास तौर पर मोहम्मद शमी ने काफी शानदार, काफी खतरनाक गेंदबाजी कराई है, जबकि इसके अलावा उमेश यादव और उसके बाद जडेजा, अश्विन, शहबाज नदीम सभी गेंदबाजों ने काफी शानदार गेंदबाजी कराई है टीम इंडिया के लिए। तो यहाँ पर बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों का भी काफी अहम योगदान रहा टीम इंडिया के इस क्लीन स्वीप में, इस जीत में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।